अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो किसी भी गल्फ कंट्री में वर्क वीज़ा पे या आज़ाद वीज़ा पे जाना चाह रहे हैं। उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत इम्पोर्टेंट है कि बजाय इसके कि वो किसी बंदे को पैसे दें और फिर वो पहले स्टेप में जाएं, जो कि गैमका का मेडिकल है, कि आपने अपना मेडिकल करवाना है और उस मेडिकल करवाने के लिए आपको गैमका का टोकन लेना पड़ता है, जो कि ऑनलाइन इजीली लिया जा सकता है। अब ये टोकन किस तरह लेते हैं, क्या इसका प्रोसेस है, वो मैं इंशाल्लाह डिटेल में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ताकि आप अपना काम खुद कर सकें। अगर आपने डिसाइड कर लिया हुआ कि आपने मुल्क से बाहर जाना है, तो फिर आपने गैमका का जो मेडिकल करवाने के लिए जो टोकन है वो ऑनलाइन आपने किस तरह हासिल करना है या गेन करना है। ओके, तो चलें मैं इंशाल्लाह, लेट मी जस्ट शेयर डायरेक्टली। वन मिनट। ओके, तो सिंपल इस वेरी सिंपल कि आपने गूगल पे जाना है और लिखना है कि गेम का मेडिकल सेंटर्स। अब गैमका मेडिकल डॉट पी के इस वेबसाइट को अगर आप क्लिक करेंगे, आई होप कि ये आपको नजर आ रही होगी। इस वेबसाइट पे जब आप आते हैं तो इस विंडो में आपको बुक अपॉइंटमेंट, मेडिकल सेंटर्स कौन कौन से हैं सिटी वाइज। पहले अगर हम अपॉइंटमेंट से पहले अगर ये देखें कि मेडिकल सेंटर्स कौन कौन से हैं जिस भी सिटी में आपने जाना है, लाइक अगर आप कराची में रहते हैं तो कराची के किसी मेडिकल सेंटर मतलब आप जाना चाह रहे हैं, तो फिर कराची सेंटर्स लिस्ट को जरूर देख लें एक बार कि कौन कौन से सेंटर्स हैं। इवन दो के मर्जी उनकी चलनी है, क्योंकि सिस्टम जो है ना वो एज पर देयर रूल्स डिसाइड करता है कि आपको कौन सा मेडिकल सेंटर देना है और किस मेडिकल सेंटर पे आपको भेजना है। जैसे अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 गैम का मेडिकल सेंटर्स हैं कराची के अंदर। इसी तरह अगर हम मतलब बाकी सिटीज का देखें तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ लाहौर। ओके, जैसे ये लाहौर के हैं। अब लाहौर में जो है वो एडवांस मेडिकल डायग्नोस्टिक है, बेस्ट वे है, इसी तरह कनाल व्यू है, नेशनल डायग्नोस्टिक है, पैरामाउंट वॉफी है, इंफिनिटी है, नॉर्थ स्टार है, यू नो। तो जिस भी मेडिकल सेंटर पे आपको, क्योंकि आपने नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है और अपनी जो इंफॉर्मेशन देंगे उसके अकॉर्डिंगली वो आपको सेंटर जो है रिकमेंड कर देंगे, तो एक तो ये आप जहन में रखें कि सारी लिस्ट मौजूद है, उनके कांटेक्ट नंबर्स भी मौजूद हैं, यू नो, और एड्रेस मौजूद है, इवन जो गूगल मैप पे लोकेशन है वो भी मौजूद है, उनका ईमेल आईडी है, फ़ोन नंबर है, और सैटरडे एंड संडे जितने मेडिकल सेंटर्स हैं पाकिस्तान में गैमका के, वहाँ पे सैटरडे संडे ऑफ है। ये बात जहन में रखना बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि कई लोग जो है वो सैटरडे को चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक लिमिट दी होती है कि जी आप एक माह के अंदर अंदर अपना मेडिकल करवाएं या वट एवर, कि एक माह के अंदर अंदर आप उस मेडिकल सेंटर पे जा सकते हैं जो आपको टोकन दिया गया। तो लेकिन आप ये बात जहन में रखें कि सैटरडे या संडे को आपने अपना टाइम नहीं जाया करना और पैसा नहीं जाया करना। तो अब हम अगर बुक अपॉइंटमेंट की तरफ जाएं, तो बुक अपॉइंटमेंट जस्ट क्लिक करना है आपने। ओके, एक तो अंडरटेकिंग है यहाँ पे, इम्पोर्टेंट नोशन इज द वैलिडिटी ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट इज 2 मंथ्स। पहले 3 माह की वैलिडिटी थी, अब ये जो मेडिकल रिपोर्ट है ये 2 माह के लिए वैलिड है। दैट मीन्स कि इसकी जो मियाद है, अगर आप माशाल्लाह फिट साबित होते हैं और 2 माह इसके वैलिडिटी है इस रिपोर्ट की, दैट मीन्स कि आपने अपना वीजा 2 माह के अंदर अंदर स्टैम्प करवा के, प्रोसेस करवा के इस मुल्क से मतलब अपने मुल्क से जो है वो आपने जाना है, जिस भी गल्फ कंट्री में आप जाना चाह रहे हैं, चाहे सऊदी अरेबिया है, बहरीन है, कुवैत है, यूएई है, क्योंकि ये गल्फ एक अलाइंस है तमाम कंट्रीज का, इसलिए उन्होंने गैम का मेडिकल जो सेंटर्स हैं वो अप्रूव किया है।
अब अंडरटेकिंग में देखें तो ये भी है कि द एप्लीकेंट एम्प्लॉयर अंडरटेक टू कमिट पीसीआर टेस्ट या कोविड-19 जो है ना, ये दरख्वास्त दहिंदा तस्लीम करता है और जिस ममालिक के सफर के दरका तमाम तिबी मुआयने करने का अहद करता है। तो डैट मीन्स कि आप एक अंडरटेकिंग दे रहे हैं कि आपके तमाम टेस्ट किए जाएं बाहर भेजने से पहले। अब आपने जब अपॉइंटमेंट अपनी मतलब बुक करनी है तो सबसे पहले आपसे कंट्री पूछा जाएगा, जैसे हम पाकिस्तान सिटी पूछा जाएगा, जैसे मैं अगर सियालकोट मेंशन करूं कंट्री ट्रैवल, लेट्स टेक एन एग्जांपल सऊदी अरेबिया नेम, मैं एग्जांपल के तौर पे जस्ट आपको दे रहा हूं। उसमें डेट ऑफ बर्थ आप मतलब कोई भी एग्जांपल के तौर पे, थोड़ा सा आपको पीछे आना पड़ेगा, यहाँ पता नहीं टाइपिंग की इन्होंने टाइपिंग की आपको नहीं वो दे रहे, तो आपने यहाँ से अगर हम जाए तो जल्दी जरा हो जाएगा। तो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। जस्ट एन एग्जाम्पल, उसके बाद नेशनैलिटी मतलब आपने डेफिनेटली पाकिस्तान, और जेंडर बताएं मेल, मैरिटल स्टेटस मैरिड हैं, पासपोर्ट नंबर अपना लाइक CV 19234 5 3 वट एवर, कन्फर्म पासपोर्ट नंबर इसी को कॉपी करके आप यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। पासपोर्ट की इश्यू डेट लाइक अगर 28/9 मतलब आज ही चले इशू हुआ, एक्सपायरी डेट जो है वो आप एक्सपायरी डेट में ये एक्सपायरी डेट है कि आपने अपने पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट बतानी है, और जो प्लेस ऑफ इश्यू है पासपोर्ट की वो आपके उस पे लिखी हुई है पासपोर्ट पे, वो आपने यहाँ पे प्लेस ऑफ इश्यू लाइक सियालकोट है, लाहौर है, कराची है। और वीजा टाइप किया गया आपका वर्क वीजा है। उसके बाद ईमेल आईडी अपना बताएं, कोशिश करें कि ये आप खुद करें, और अगर आप किसी से करवाते हैं तो वो अगर अपना नंबर यहाँ मेंशन कर देता है मतलब अपना मोबाइल नंबर या समथिंग लग रहा है, तो इवन एजेंसी वाला बंदे से अगर आप टोकन बनवाते हैं तो वो भी अपना नंबर अगर दे देता है, तो फिर उसमें मतलब अगर कोई भी कम्युनिकेशन करनी है मेडिकल सेंटर में तो वो इस नंबर पे कर रहे होंगे जो कि फिर आपने अपना नहीं दिया हुआ। तो ये आपने, ये एक टेक्निकल नुकता है जो आपने जहन में रखना है कि आपने अपना नंबर मैंशन करवाना, ताकि कोई मैसेज आना है, कोई कॉल आनी है तो वो आपके नंबर पे आए, या कोई व्हाट्सअप होनी है रिपोर्ट तो वो आपके नंबर पे हो। आपने मतलब जिससे भी टोकन बनवाना है खुद बनाना है तो दी बेस्ट है, अगर आप किसी से भी बनवाते हैं तो मेक श्योर कि वो मोबाइल नंबर अपना ना लिखे आपका लिखे, नेशनल आईडी कार्ड नंबर यहाँ पे आ जाएगा जो भी सारा हम, और यहाँ पे मुख्तलिफ पोजीशंस हैं कि किस प्रोफेशन पे आपने मतलब अप्लाई किया है, यू नो जस्ट टेक एन एग्जांपल कि आप इंजीनियर है, अदर ऑप्शंस नो नीड। अब आप नेक्स्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट पे वो कहता है कि आप पेमेंट करें, इसमें इजी पे भी है, जैज कैश भी है, भी मतलब मुख्तलिफ ऑप्शन दी गई है, और गैम का मेडिकल अपॉइंटमेंट टोटल फी जो है वो 3800 है, और अकाउंट ये बताए हुए हैं, और जब आप दोबारा से मतलब अपनी पेमेंट आपने करनी है तो यहाँ पासवर्ड नंबर मेंशन करें, मोबाइल नंबर मेंशन करें, पेमेंट मेथड की आप इजी पैसा क्या करवा रहे हैं, अकाउंट नंबर आई हैव रेड एंड देन सबमिट, तो जो टोकन है वो ऑटोमेटिकली आपको दे दिया जाएगा। एक तो ये वेबसाइट है जहाँ से आप मतलब अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और उसके बाद आप मेडिकल रिपोर्ट भी चेक यहाँ से कर सकते हैं, वो मैं इंशाल्लाह आई विल रिकॉर्ड माइट बी अ सेपरेट इन डिटेल वीडियो, कि आपने अपनी मेडिकल रिपोर्ट भी यहाँ से किस तरह चेक करनी है।
उसके बाद अगर एक और वेबसाइट पे जो मैं चाह रहा हूँ कि आपके नॉलेज में आए, जस्ट मिनट, एक और वेबसाइट है गैमका हेल्थ के नाम से, मतलब gamkahealth.com। और यहाँ पे भी वही प्रोसीजर है कि आपने अपनी सारी डिटेल्स देनी है, सबमिट करवाना है, मतलब अपना क्रेडिट कार्ड नंबर वट एवर, तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ से भी स्लिप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको क्रेडिट कार्ड यूज करना पड़ेगा, और वहाँ पे जो पहली वेबसाइट बताई है उस पे आपको मतलब क्रेडिट कार्ड नहीं दिया है, तो आप इजी पैसा ये वो जो भी उनकी फी है वो आप पे कर सकते हो। अब थोड़ा सा अगर हम इसमें मतलब कुछ और चीजें देख लें जो आपको हेल्प आउट करें, ये देखें ना, सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, कतर, ओमान, कुवैत, इनकी मतलब सारी जो है वो इन कंट्रीज में जाने के लिए आपको मेडिकल करवाना पड़ेगा। ओके, तो यस गाइस, अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है कोशिश करें, मेरा ये बिलीव है एक्चुअली कि सेल्फ डन इज वेल डन, कि जो काम आप खुद करते हो उसमें ज्यादा, और अल्लाह भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। तो हर काम दूसरों से करवाने की जो वेरी ऑनेस्ट के जो बीमारी है वो हम में कम होनी चाहिए। जो काम हम खुद कर सकते हैं वी हैव टू डू इट। और ये जो लेजीनेस है कि नहीं यार मैं कहाँ लगा रहूंगा 500 हज़ार किसी को देता हूँ, तो वो कर देगा, फिर वो नंबर भी अपना देगा, ईमेल आईडी भी अपना मेंशन करेगा, अब कोई भी कम्युनिकेशन है उसके साथ हो रही है, तो डैट मीन्स के वो बंदा कहीं ना कहीं आपके साथ खेल सकता है। तो कोशिश करें कि खुद से ये कम से कम ये जो छोटे छोटे काम है, क्योंकि अब डिजिटलाइजेशन है, हर चीज़ ऑनलाइन है, और अपने बड़े काम आप ऑनलाइन कर सकते हैं। लाइक अगर आपने मतलब कोई भी, मैं एग्जांपल्स दूं तो हजारों काम है जो ऑनलाइन हो सकते हैं। तो वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए लेट्स मेक इट शॉर्ट। गैमका मेडिकल टोकन लेने के लिए अगर अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है आपको, तो आप मुझसे रिकन्फर्म कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली शेयर अगेन द फर्दर इंफॉर्मेशन ऑन दैट। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और अपने ट्रेनिंग जोन चैनल का भी ख्याल रखें। ये हम सबका डेली लर्निंग क्लब है, और इस चैनल का जो मकसद है वो ये है कि हम कम्युनिटी में जितनी अवेयरनेस दे सके मुख्तलिफ इश्यूज पे, मुख्तलिफ टॉपिक्स पे, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो QHSE क्वालिटी हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट की जो फील्ड है, इसमें हम किस तरह कामयाब हो सके उसका सारा नॉलेज शेयर किया। अल्लाह हाफिज़।